नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर गाजा युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। इजरायली सेना ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे ही सीज फायर खत्म होगा, इजरायली सेना गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में प्रचंड हमले और तेज कर देगी। इधर नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है कि अगर जंग में हमास और ईरान जीते तो याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हमास जैसे लड़ाके पैदा हो जाएंगे और कई देशों पर 7 अक्टूबर जैसे हमले होंगे। नेतन्याहू के इस बयान के आने के बाद एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे बेहद भीषण खूनी जंग आगे हो सकती है। इज़राइल को मिटा देंगे हमास और ईरान। चार दिन का सीज फायर क्या इज़राइल पर भारी पड़ रहा है? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्त हमले करने के लिए फिर से ऑक्सीजन मिल गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि रूस के वैगनर ग्रुप के कमांडर और लड़ाके भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुंच चुके हैं, जबकि चीन ने इस दौरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवर्क बना दिए हैं जो इजरायली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने हमास को नई तरह की सैकड़ों मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुंचा दी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीज फायर की आड़ में इजरायल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे दर्जनों भीषण हमले होंगे। इस वक्त इजरायल के 1.5 लाख सैनिक और 800 टैंक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इजरायल ने सीज फायर पूरा होने से पहले ही हमास के ऊपर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला इजरायल पर ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी मिलकर इजरायल पर हमले कर रहे हैं, जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हिजबुल्ला और हूथी के लड़ाके इजरायल पर हमला करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है। यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इजरायल के वजूद से जुड़ गया है। इजरायल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायली मीडिया में बड़ा लेख लिखा है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि ईरान की शैतानी धुरी बन चुका है हमास। नेतन्याहू ने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर हमास ईरान युद्ध जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंक मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभ्य दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी। नेतन्याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना और इजरायली सरकार दोनों ही इस वक्त भयंकर प्रेशर में हैं। एक तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा करने का दबाव इजरायल की 3 लाख की सेना पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे, जंग को रोके,
लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून इसराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसराइल को धमकी दे दी है कि ईरान गाजा में गिराए गए इसराइल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इसराइल से लेगा और इसराइल को गाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में इसराइल को गाजा युद्ध पर चेतावनी दी है। अली खामनेई ने लिखा है कि गाजा पट्टी में आईडीएफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा। खामनेई ने लिखा है कि गाजा में इसराइल की भीषण बमबारी उस करारी हार की भरपाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इसराइल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ ही दिनों में इसराइल चुप होने को मजबूर हो जाएगा। इसराइल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इसराइल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को जबरन दक्षिणी गाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पताल इजरायली हमले में तबाह हो चुके हैं। वहीं 44,000 के करीब उत्तरी गाजा की इमारतों को इसराइल ने मिसाइल और बम धमाकों से उड़ा दिया है, जबकि 2.25 लाख के करीब इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इजरायली सेना मारने का दावा कर चुके हैं, लेकिन जबरदस्त प्रेशर में 4 दिन का सीज फायर इजरायल की 1.5 महीने की मेहनत और जीत पर पानी फेर रही है। इसीलिए इजरायली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना भीषण हमले की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हम सीज फायर में हमास पर भीषण हमले की तैयारी में जुटे हैं। इसराइल को मिटा देंगे हमास और ईरान। במהלך ימי ההפוגה צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. अब सवाल उठता है कि अगर इसराइल सीज फायर के दौरान भी लगातार तेज हमले कर रहा है तो फिर हमास क्या कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याया सिनवार उठाना चाहता है। इसराइल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इसराइल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याया सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है। इस रणनीति के तहत खान योनुस का लादेन कहा जाने वाला याया सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान योनुस ही सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है। माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट्स से समझ लीजिए। हमास का लादेन याया सिनवार उत्तरी गाजा के बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है। सीज फायर की वजह से खान योनुस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नोसेरा अल बुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पा रही है। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो रही है। इसका नुकसान आईडीएफ को यह हो रहा है कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच रहा है और हमास का लादेन याया सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। इसराइल को मिटा देंगे हमास और ईरान। انهاء الاحتلال وحمايه الاقصى وتحرير الاسرى نخوض معركه التصدي لعدوان جيش وقطعان مستوطنين على شعبنا ومدننا
نخوض معركة كسر الحصار على شعبنا في قطاع غزة الذي امتد 17 عاما أو يزيد. نخوض معركة تحقيق الحلم والأمل الفلسطيني. इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए। चार दिन के सीज फायर के बाद जब दोबारा से इजरायली सेना गाजा शहर और उत्तरी गाजा के बेहद अंदरूनी हिस्सों पर हमला करेगी, तो उस वक्त हमास और ज्यादा घातक हमले इजरायली सेना पर जरूर करेगा। लेकिन इजरायली सेना ये भी दावा कर रही है कि सीज फायर के बाद हमास का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। אחרי בחירי חמאס בעזה ובכל מקום בעולם. יש למלחמה הזאת מטרות מאוד מאוד ברורות, וצהל נערך לשלבים הבאים במלחמה, על מנת לפרק את חמאס, לסדר את הגבולות, שיהיו גבולות בטוחים, להמשיך במאמץ העליון, להשבת חטופים, להגיע להרתעה אזורית. वहीं हमास का दावा है कि इजरायल सेना युद्ध विराम को तोड़ रही है और हमास पर हमले कर रही है। हमास के इस दावे में दम नजर आता है, क्योंकि इजरायली सेना का दावा है कि पिछले 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ के मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक है नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के लिए गाजा युद्ध कितना भारी पड़ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू को लिखना पड़ा है कि अगर ईरान और हमास जीतते हैं तो फिर इसराइल का विनाश तय है। एक तरफ इसराइल गाजा में गुप्त तरीके से हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को हमास और हिजबुल्ला के अटैक का डर भी सता रहा है। इसीलिए अब बेनियामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पेशल फोर्स को जंग में उतार दिया है। कहा यह जाता है कि इसराइल के स्कॉट्स के कमांडो ऐसी मौत देते हैं कि दुश्मन उन्हें देखकर ही दम तोड़ देते हैं। हमास के खिलाफ इजरायल का सबसे भरोसेमंद हथियार मोसाद फेल हो चुका है। इजरायल की सबसे एलीट यूनिट शिन बेत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इजरायल की आर्मी अब तक हमास का पूरी तरह से सफाया कर पाने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने इजरायल पर चढ़ाई करने का इरादा पक्का कर लिया है। ऐसे में नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, उसके फौरन बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया और कसम खाई कि वो अब हमास और उसके हमदर्दों का नामो निशा मिटाकर ही दम लेंगे। नेतन्याहू ने जब अपनी उस यूनिट को हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ उतारने का फैसला किया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, इसराइल ने युद्ध में अपनी यूनिट नंबर 504 को उतार दिया है। यूनिट नंबर 504 यानी वो कमांडो टीम जो एक हमले में 50 दुश्मनों को मारती है और फिर बाकी 500 दुश्मन हमला देखकर दम तोड़ देते हैं।
यानी ये दुश्मनों को इतनी दर्दनाक मौत देती है कि 10 गुना दुश्मन देख कर मर जाते हैं। यूनिट नंबर 504 ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है। हाईटेक हथियारों से लैस 504 यूनिट के सैनिक चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही है, टैंक से अटैक कर रही है, बिल्डिंग से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रही है, हर उस बिल्डिंग में जाकर हमास को ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा कर रही है। हमास का छुपना मुश्किल सा हो गया है, हमास के सामने मौत है और यूनिट नंबर 504 इसकी पूरी गारंटी के साथ गाजा में उतरी है। डेढ़ महीने का युद्ध अब और भीषण हो गया है, दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है, युद्ध चल रहा है। इजराइल गाजा पर टैंक से हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसकी आर्मी गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, लेकिन नेतन्याहू की मोसाद और शिन बेत, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वो शुरुआत में ही जैसे हमास के सामने सरेंडर कर गए, अपने प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर कब्जा तो किया, लेकिन हमास के जवाबी अटैक को संभालना मुश्किल हो गया। हमास की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, हमास गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। यही वजह है कि गाजा में चल रहे युद्ध में इजराइल के 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये इजराइल के उन सैनिकों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं जिन्हें युद्ध के दौरान हमास के लड़ाकों ने मार दिया। इसमें 23 साल के सैनिक माज केरेट बत्तिया भी शामिल थे, जिसे हमास के लड़ाकों ने मार दिया। माज केरेट गाजा में अपने साथी सैनिकों के साथ हमास के खिलाफ मोर्चे पर थे, तभी एक ऐसा हमला हुआ कि जान बचाकर भागने की नौबत आ गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वो जिस ऑपरेशन का हिस्सा थे उसमें इजराइल के एक लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर की भी मौत हुई है। एक तरफ इस ऑपरेशन में इजराइल को सैनिकों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, दूसरी तरफ उसके हथियार भी हमास और हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। युद्ध के दौरान हमास और हिजबुल्ला ने चुन चुन कर इजराइल के सबसे बेहतरीन टैंक मरकावा को फोड़ा। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा जब हिजबुल्ला और हमास ने इजराइल के टैंक पर अटैक किया। हिजबुल्ला ने एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल के टैंक को निशाना बनाया था, तो हमास ने यासीन रॉकेट इजराइल के टैंक पर दागे। क्या ऐसे ही हमले अब यूनिट नंबर 504 को भी झेलने पड़ेंगे? में योम किप्पर युद्ध के बाद इसराइल को यह समझ में आ गया था कि उसकी डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंस मिस्र और सीरिया के हमलों का पता लगाने में नाकाम रही है। तब सरकार ने मोसाद और शिन बेत को मजबूत करना शुरू किया। इसका मकसद था कि कई एजेंसियां कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करेंगी, अगर एक चूक भी जाती है तो दूसरी खतरे का पता लगा लेगी। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से ही लगातार मोसाद पर सवाल उठने लगे, उसको फेल करार दे दिया गया। एक समय मोसाद और शिन बेत लेबनान में सक्रिय थी, यूनिट 504 भी एक समय यही थी। बाद में मोसाद का फोकस ईरान और इंटरनेशनल आतंकियों पर हो गया, वहीं शिन बेत को गाजा से जुड़ी जिम्मेदारी मिली। यूनिट 504 ने गाजा के अपने जासूसों को शिन बेत के हवाले कर पूरा फोकस लेबनान पर लगा दिया और अब हमास और इजराइल के युद्ध 504 यूनिट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इजराइल की यूनिट नंबर 504 को सिर्फ गाजा में हमास की ही नहीं बल्कि लेबनान बॉर्डर की भी जिम्मेदारी मिली हुई है। इजराइल पर गाजा से तो टक्कर मिल ही रही है, लेबनान बॉर्डर भी उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में इजराइल फंस गया है कि वो गाजा संभाले या लेबनान बॉर्डर पर फोकस करे। नेतन्याहू को इस वक्त सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि अगर मोसाद और शिन बेत की तरह यूनिट नंबर 504 को भी उस लेवल पर कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा, जिससे पूरे इजराइल को उम्मीद है।
अगर यूनिट नंबर 504 पूरी तरह से फेल हो गई तो कौन बचाएगा, विकल्प क्या होगा? इसराइल को इस वक्त हमास और हिजबुल्ला ने पूरी तरह घेर लिया है और इसमें उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और एलीट यूनिट फेल साबित हो रही है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। ये उत्तर इसराइल के लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के बेरानेट बेस पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इसराइल की आर्मी की तरफ से बताया गया कि लेबनान के बॉर्डर से एक के बाद एक हमले किए गए। हालांकि इसराइल के लिए इसमें राहत की बात यह रही कि उसके किसी भी सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल को यह भी पता है कि हमास और हिजबुल्ला के पास जब तक हथियार रहेंगे तब तक उसकी जमीन पर हमले होते रहेंगे, लिहाजा इसराइल के निशाने पर हमास के हथियार गोदाम है। इस तस्वीर को आईडीएफ ने जारी किया है। नेतन्याहू का दावा है कि हमास मस्जिद और अस्पतालों को ढाल बनाकर इसराइल से लड़ रहा है, जबकि युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि इसराइल की बमबारी में करीब 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 5,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं था। अब इसराइल अपनी नई एलीट यूनिट को उतार कर नेतन्याहू का वो चेहरा भी बचाना चाहती है जो हमेशा से इसराइल में एक युद्ध पसंद नेता के तौर पर चमका तो जरूर, लेकिन हमास के एक हमले ने उसे बिगाड़ कर दिया है। एक तरफ हमास है जिसे इसराइल की बर्बादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, दूसरी तरफ इसराइल है जो गाजा को बर्बाद करके ही दम लेना चाहता है। इसराइल ने गाजा पर इतने बम बरसाए हैं कि आधा गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों के पास रहने के लिए आशियाने नहीं हैं, उन्हें राहत कैंप में शरण लेनी पड़ रही है जहाँ आम फिलिस्तीनियों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। ऊपर से गाजा में हुई बारिश ने टेंट में रह रहे लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के नसीर अस्पताल के पास की तस्वीर है जहां तेज हवाओं और बारिश के बाद लोगों ने अस्पताल में शरण ली हुई है। लेकिन जिस तरह इसराइल के निशाने पर गाजा के अस्पताल हैं, इन्हें हर वक्त मौत का डर सताता रहता है। कब कौन सा बम गिरेगा और कई जिंदगी खत्म हो जाएंगी। इस वक्त करीब 1,60,000 लोग दक्षिणी गाजा में टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। युद्ध अभी और लंबा चलेगा, ये इसराइल को मिल रही हमास की टक्कर से साबित हो गया है।